सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। दिव्यांगता के अभिशाप को दूर कर विश्व में पहचान बना रहा है एक दिव्यांग क्रिकेटर खिलाड़ी, जो कि न सिर्फ दिव्यांगों के लिए बल्कि सभी के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरा है। इन्होंने अपनी सभी कमजोरी को पीछे छोड़ते हुए दिव्यांग क्रिकेट की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। आइए जानते हैं एक ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में जो दुनिया के लिए अब प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरा है। अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इस बात को अपने जज्बे और मजबूत इरादों से सच करके दिखाया है उत्तर प्रदेश प्रयागराज के ललित ने। ललित को शुरू से ही क्रिकेट के प्रति अलग ही लगाव था। ललित ने गली मोहल्ले से क्रिकेट खेलने की शुरुआत की थी। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने का शौक देखते ही देखते जुनून बन गया, लेकिन एक हादसे के बाद ललित की पूरी जिंदगी बदल गई। आपको बता दें कि ललित ने एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर गवा दिए। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने हौसले को कम ना होने दिया और देखते ही देखते क्रिकेट के प्रति उनका रुझान और भी बढ़ता गया। ललित ने कभी भी दिव्यांगता को अपने खेल के आरे नहीं आने दिया, उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाई। 2012 में एक रेल दुर्घटना में मैंने अपने दोनों पैर गंवा दिए। उसके पहले से ही मैं क्रिकेट खेलता था, जुनून था गली कूचों में खेलने का एक, और उसी जज्बे ने मुझको आगे बढ़ने की हिम्मत दी। परिवार हताश था, लाचार हो गया था मुझे बिस्तर पे देखे देखे, लेकिन अपने हौसले को मैंने कभी कम नहीं होने दिया। और जैसे ही मैं खड़ा हुआ कृत्रिम पैरों से, मैंने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए खोज करना शुरू कर दिया एक ऐसी संस्था जो दिव्यांगों को आगे बढ़ाए। और उसमें मुझे फेसबुक के माध्यम से मिला दिव्यांग कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, और उसने मुझे मौका दिया एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने का। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के रानी मंडी मोहल्ले के रहने वाले हैं ललित। ने 36 साल की उम्र में अपने दोनों पैर गवा दिए थे, फिर भी उन्होंने अपने हौसले को कभी कम ना होने दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दिव्यांग कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया से बात की और अपने अच्छे प्रदर्शन के दम पर दिव्यांग क्रिकेट इंटरनेशनल में एक ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में अपनी जगह बनाई और क्रिकेट में अपना जौहर दिखाया। ललित ने इंटरनेशनल क्रिकेट से शुरुआत करते हुए 2017 में त्रिकोणीय टूर्नामेंट में नेपाल, भारत, बांग्लादेश और 2018 में गोरेगांव स्टेडियम, मुंबई, बांग्लादेश समेत और भी कई नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना जौहर को दिखाया। बड़ी मुश्किलों से आज मुझे एक पेट्रोल पंप है, उसमें मुझे मैनेजर की पोस्ट मिली है, वहीं पे मैं काम करके अपने घर का गुजारा कर रहा हूँ। क्रिकेट से मुझे कोई अर्निंग नहीं है, मान सम्मान बहुत मिलता है, प्यार बहुत मिलता है आप लोगों का, लेकिन भारत सरकार अगर या BCCI इस क्रिकेट को अपना ले तो हम जैसे कई दिव्यांगों का जीवन सुधर जाएगा। ललित की नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट परफॉर्मेंस को देखते हुए जून 2019 में उन्हें उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया और ऐसे ही क्रिकेट का सफर दिन पर दिन चलता चला आ रहा है। वहीं ललित का कहना है कि अगर भारत सरकार और BCCI इस क्रिकेट को अपना ले तो हम जैसे कई दिव्यांगों का जीवन सवर जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा कृत्रिम पैर मेरे ही तरह दिव्यांग हो गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुझे नया कृत्रिम पैर दिया गया। ललित का कहना है कि दिव्यांगता को कभी शारीरिक कमजोरी ना समझें। साथ ही सभी दिव्यांगों से अपील है कि अपनी दिव्यांगता को जीवन में नीरसता का कारण ना बनने दें। हमें मौका मिले तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, हमें जरूरत है तो सिर्फ एक मौके की, जिससे हम अपने आप को साबित कर सके। वहीं ललित ने इस कहावत को चरितार्थ करके दिखाया है कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है,
मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। आशीष भट्ट, प्राइम टीवी, प्रयागराज। दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है बल्कि ऊपर वाले का वरदान है। दिव्यांगता को भूलकर आगे बढ़ने का जज्बा ही आपको समाज में अलग खड़ा करता है, जैसा कि हमने हमारी इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से दिव्यांगता को हराते हुए एक क्रिकेटर ने प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी अपनी पहचान बनाई है। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।